शामली जनपद के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमान धाम से चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां पर मंदिर प्रबंध कमेटी ने महिलाओं, युवतियों और पुरुषों के लिए अनोखा फरमान जारी करते हुए जीन्स, स्कर्ट, टॉप और कटे-फटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सिद्धपीठ हनुमान टीला धाम का है, जहां मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर में किस तरह के कपड़े पहनकर आया जाए इसे लेकर एक नया फरमान जारी करते हुए मंदिर परिसर में नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, मंदिर में आने वाला कोई भी महिला पुरुष श्रद्धालु मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए और किसी भी प्रकार के अमर्यादित वस्त्रों जैसे हाफ पैंट, बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और फटी जीन्स आदि पहनकर मंदिर आने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके संबंध में मंदिर कमेटी के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा श्रद्धालुओं के लिए संदेश जारी करते हुए विनम्र अपील की जा रही है कि कोई भी अमर्यादित वस्त्रों में मंदिर के अंदर प्रवेश न करे। जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में बिना धोती पहने कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मंदिर में कुछ लोग हाफ पैंट, स्कर्ट आदि ऊट पटांग वस्त्र पहन कर आ रहे हैं। इस नियम से ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा यदि वो नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। बाकी किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मंदिर आने वाले श्रद्धालु मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। ये सूचना के बाद कोई इस तरह के अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर आता है तो उसे बाहर से ही दर्शन करके लौटना होगा। मैंने अपने भक्तों से अनुरोध किया है, सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि मर्यादा के साथ में मंदिर प्रवेश करें और आगे भी लोगों को संदेश ये जाएगा इसमें कि कभी छोटे कपड़ों में या उल्टी सीधी ड्रेस कोई पहन के आता है उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा रोक लगाने की कोशिश की। मंदिर कमेटी द्वारा जारी किया गया फरमान शहर में चर्चा का विषय बना है। शहर के सभी लोग मंदिर कमेटी के फैसले का स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।